नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए, अभी जो आपके यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए थे, आपके 5 शिफ्ट में, 5 डेट में और 10 शिफ्ट में जो आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे, तो आज जो हमारा 23 अगस्त को जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे उसकी आंसर की अपलोड कर दी गई है ओरिजिनल। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कैसे मिलाएंगे हम आंसर की। तो देखिए, हम लोग सभी पेपर्स तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको इसके माध्यम से सभी पेपर्स के एनालिसिस आप कर सकते हैं और पेपर को देख सकते हैं आप कि कैसे कैसे हर शिफ्ट में पेपर आए थे। तो आज मैं आपको 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की आंसर की मैं यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आप अपने पेपर को उठा लीजिए और सभी के आंसर्स मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पहला प्रश्न आया, अगर आपको आपत्ति है तो आपत्ति का यहाँ पर आप प्रकार डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या गलत है, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई फाइल अगर कहीं दिया गया है तो आप चूज करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे आप। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है H+1 का अर्थ एच आई की बहन है, तो इसका आंसर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, P×Q-J+M। दिए गए विकल्पों में पैरानॉर्मल का दिया गया है, तो इसमें RA RE होगा जो नहीं बना सकते हैं हम, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, A सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा फिगर से एक प्रश्न आया था, तो इसमें दिया गया पैटर्न जारी रखना है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा हमारा। ये आपको सादृश्यता को पूरा करना था, 1 5 की पावर 4 है, तो 5 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 5 2 की पावर 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि लुप्त संख्या आपको ज्ञात करानी थी, यहाँ पर 20 35 60 105 दिया गया था, तो आपका ऑप्शन क्या था, 355 ए सही है आपका। प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है, तो इसका आंसर है 50 मीटर, बिल्कुल सही आंसर है। एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर वाला पश्चिम की ओर चलता है, तो इसका ऑप्शन है सी यानी दक्षिण, बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। आगे देखते हैं, काफी बड़ा प्रश्न था आपका, DI से संबंधित था आपका, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सेक्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेक्शन डी। आगे चलते हैं, लर्निंग को 160 तो प्रिपरेशन को हम क्या लिखेंगे, तो 266 लिखेंगे। ये दिया गया अरेंजमेंट करना था आपको, तो इसमें हैंडओवर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपको साइन चेंज कराए थे, तो इसका आंसर होगा 8, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, ये भी DI से संबंधित प्रश्न था आपका, जिसका आंसर है 17.65, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है आयोग की आंसर की के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, ये फिगर वाला था आपका, तो इसका ऑप्शन है बी सही है। AFKP वाला दिया था, तो इसका आंसर है हमारा BU, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करना था आपको जो युग्मको द्वारा साझा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 89106, आंसर सही हो जाएगा। श्रृंखला पूरी करनी थी आपकी, तो इसका आंसर था 56, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, शेर गुफा में तो मकड़ी देखिए कहाँ रहती है, तो मकड़ी का हो जाएगा शेड हो जाएगा, मकड़ी का क्या हो जाएगा, शेड नहीं होगा, मकड़ी का आंसर जो है हमारा हो जाएगा क्या, जाला हो जाएगा। मकड़ी क्या करती है, जाला बनाती है, तो वेब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए, आयत उन व्यक्तियों को दर्शाया गया है आपका, ये भी एक फिगर का ही प्रश्न है आपका, तो इसका आंसर देखिए 18 का है ए, तो 18 का ए यानी 12 आंसर क्या होगा इसका, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं कि दी गई आकृति दी गई हमारी, इसमें बताना था कि कौन सा पैटर्न को बनाए रखना है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवा में सेवानिवृत्त का दिया था, तो इसमें हो जाएगा 215 रुपये, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यदि किसी संख्या का 70% इतना है, तो 120% ज्ञात करना था, 0.6 क्या होगा आंसर, सही हो जाएगा हमारा। आगे एक व्यापारी 25% का लाभ शामिल करता है, तो इसका आंसर 5% सही होगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के बल्लेबाजी का औसत दिया गया था, तो इसका आंसर 18 होगा। एक पुराना 2-व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है, तो इसका आंसर क्या है, 500 रुपये है। 285 510 1440 का महत्तम समावर्त पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 15 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ये दिया गया था, इसका भी SCF पूछा था, तो 1/60 बिल्कुल सही SCF हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी वाला प्रश्न दिया गया था, तो इसका आंसर है 40। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 14 घंटे में, तो इसका आंसर है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति शांत चल में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 7 सही 1/2 घंटा किलोमीटर घंटा।
आगे देखते हैं, एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को, तो इसका आंसर है 26,000। एक कार को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो क्रमूल पूछा गया था तो 8,000 हो जाएगा। एक राशि का भुगतान 1764 की दो वार्षिक किस्तों में किया जाना है, तो 3280 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है सी बी, एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 5 सही 1/3 दिन हो जाएगा। ए और बी प्रत्येक कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 दिन। एक वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि घटा दी जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो कीमत में 10% की क्या हो जाएगी, परिमाण वृद्धि हो जाएगी आपकी। क्रमशः 180 प्रति किलोग्राम और 280 किलोग्राम की दर को मिला दिया जाए, तो 2.13 यानी 2:13 हो जाएगा इसका आंसर। ए और बी की गति 2.3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22.5 मिनट हो जाएगा। एक दरराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 6 गुनी पूछी गई थी, तो 12.5% इसका आंसर सही हो जाएगा। रीजनिंग का देख लेते हैं, ए सी ई जी, तो इसमें क्या है, आई आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। एक मेज पर 4 कार्ड रखे गए हैं, तो इसका आंसर होगा 8 और ई। एक परिवार में 6 सदस्य हैं आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। 6 आमों की कीमत 90 रुपये है, तो 10 आमों की कीमत 150 रुपये है आपकी। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की कुल नियोजन तो आज 96 रुपये थी, तो इसका आंसर है 8। 4 अक्षर समूह दिए गए थे आपके, तो इसमें आंसर पूछा था, तो OQRT क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। फिगर का एक प्रश्न दिया गया था जिसका आंसर है बी। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन ने कहा था, तो इसका आंसर है बी, माँ। सादस को पूरा करना था, कैमरा फोटोग्राफर माइक्रो स्कोप किससे होगा, बायोलॉजिस्ट से संबंधित हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। डॉल्फिन और वेल दोनों कैसे समान है, तो दोनों हवा में सांस लेते हैं। यदि आपके पास एक नियमित पंच प्रिज्म है, तो आप इसे कैसे समांतर काटेंगे, तो इसका आंसर है ए, पंचभुज पेंटागोन बनेगा। बी देखिए विषम छाटना था, तो बी इसमें क्या है, बिल्कुल विषम दिया गया है आपके। आगे देखते हैं, फिर से एक फिगर का प्रश्न है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सही है। आकृति में कितने आयत थे, ये आपसे पूछा गया था, तो इसमें आयतों की संख्या है 13। कितनी है, 13 है आपकी। ये इसमें त्रिभुज पूछे गए थे, ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, तो इसमें 16 ट्रायंगल है आपके। दी गई श्रृंखला को पूरा करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी लोग फटाफट से आप मिलाते रहिए अपने आंसर्स को। उस अक्षरों की जोड़ी को चुनिए चुनिए जो समूह में अन्य से भिन्न है, तो ओके इसका सही आंसर। 3, 5, 11, 29 राशि के बाद कौन सा आंसर आएगा, तो 245 आएगा। ये भी श्रृंखला आपको पूर्ण करनी थी, तो इसका आंसर आएगा 34। अब हिंदी के हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। आदि व्याधि शब्द युग में अधिकार अर्थ में से क्या है, तो मानसिक कष्ट आंसर दिया गया होगा आपके में। मुझे बारिश में भीगना पसंद है, तो क्या है, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों हैं। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, गुड़ हो गया धर्म। 1987 में मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार श्रीकांत वर्मा को दिया गया, बी ऑप्शन सही होगा। विशेषण पूछा गया है कौन सा है, तो सुंदर विशेषण है आपका। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंगारे बरसाने मुहावरे का सही अर्थ होगा कड़ी धूप होना। तो वर्ण की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंते है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है, तो कारण वाचन। घर का रहस्य जमाने वाला घातक है, तो इसका आंसर होगा घर का वेदी लंका ढाबे। इति इति और इति शब्दयुग विकल्प चयन करना था, तो समाप्ति और बाधा होगी। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना था, तो मैं गाने का अभ्यास करता हूं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अभय उभय शब्दयुग का सही अर्थ है, तो निर्भय और दोनों हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो कानन है आपका वन का। कृत्ता कृत में समास है आपका, तो कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें कृतवाच्य प्रयोग हुआ है आपके। इसमें अर्धविराम आपसे पूछा गया था, तो अर्धविराम है आपका ये वाला। दिए गए विकल्पों में विदुर का स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो विदुर का स्त्रीलिंग हो जाएगा विधवा। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो निपट जो है विशेषण है आपका।
अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के पांच भेद हैं। कितने भेद हैं? पांच। अरे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो मूर्धा होगा। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए तो क्या होगा? दवाइयां। बिनु पग चले सुने बिन काना, इसका आंसर है विभावना अलंकार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो यह है जानकार। चीफ की दावत के रचनाकार है आपके भीष्म साहनी। पुल्लिंग शब्द छांटना था आपको तो आहार हो जाएगा। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द कौन सा है? तो शिशिर है आपका, शिशिर है आपका। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होगा? अन्याय की जगह। कांति क्लांति शब्द पूछा था तो चमक और थकावट हो जाएगा आपका। ये आपका पैसेज आया था एक, तो पैसेज वाले में काव्यांश रचनाएं हैं देश भक्तिपूर्ण। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वीरांगना हो जाएगा। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है तो झांसी की रानी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस कविता में कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में प्रयोग किया गया रस है वीर रस। कौन भिन्न है आपसे पूछा गया था? तो 27 भिन्न है आपके। धारा के विपरीत जा रही है नाव, ये जा रही है तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 64 वर्ग मीटर हो जाएगा आपका। एक आदमी अपनी यात्रा के 200 किलोमीटर 80 प्रति घंटा की चाल से चलता है तो इसका हो जाएगा 61.53 किलोमीटर पर घंटा। आगे देखते हैं, लोगों के समूह 40 को चाय पसंद है तो इसका आंसर है बी। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डीजे ने कहा तो इसका आंसर है बेटे की। रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चली है तो इसका आंसर है उत्तर। पूर्व आंसर सही है आपका। ये डीआई का प्रश्न है आप, ये रीजनिंग का प्रश्न है आपका, तो इसमें से छांट के लिखना था तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। श्रृंखला का प्रश्न है 15, 36, 63, 96 तो आगे आएगा 135 आंसर आएगा आपका। युग्म विषम युग्म छांटना था तो कछुआ कुर्म क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। युग्म समान है ये बताना था तो उपग्रह और कक्षा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक परिवार में 5 सदस्य वाला प्रश्न दिया गया था, इसका आंसर है बहु। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारे। दिए गए प्रश्न में बाईं अक्षरों से सेट करने थे आपको तो उसका है RINGS, सही आंसर हो जाएगा। बाई एक्स के पूर्व में दिशा वाला दिया था तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। असमान संख्या ज्ञात करनी थी तो इसका आंसर है 57, 45, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाई चार्ट वाला दिया था तो इसका आंसर है 50 रुपये, 50 रुपये। आगे दिया गया है श्रृंखला में कौन सा उत्तर दीजिए तो डी और बाई हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन दिया गया था आपका तो इसका आंसर हो जाएगा एम। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है आपका तो हरियाणा हो जाएगा आपका, हरियाणा। 2021 में इंस्टाग्राम इंटरनेट ये हो जाएगा चौथा। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था तो 1950 में। जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है तो मेंढक को माना जाता है। जनगणत है तो डी बराबर N/S। बायोमेट्रिक प्रणाली पूछा गया था तो पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। 1928 में बरदोली जो सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस को प्राप्त करता है आपके सलमान रुश्दी। लोकसभा और राज्यसभा अनुसूचित जातियों को सीटों का आवंटन को बदलाव करता है तो 79वां संविधान संशोधन। लोकटक झील कई बार पढ़ चुके हैं आप, मणिपुर में स्थित है आपके। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता ये बंधुता है आपकी। UDHR कौन सा अनुच्छेद लेने की गारंटी देता है तो आर्टिकल 14। NPA का पूर्ण रूप क्या है तो नॉट परफॉर्मिंग असिस्टेड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य किया जाता है तो ललितपुर में किया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आजाद की है। 2016 में विमुद्रीकरण RBI को कितने 50 के रुपए नोट प्राप्त हुए थे? 98.96%। 1993 में मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन का आयोजित किया गया था, वियना, वियना घोषणा पत्र। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है तो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सब परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है आपका। सॉफ्टवेयर इंटरनेट को करता है तो ये हो जाएगा फायरवॉल हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्शकों के साथ सम्मान करने के लिए सोशल मीडिया हो जाएगा, सामाजिक
माध्यम विपणन। भूटान की राजधानी सभी लोग जानते ही हैं, क्या हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका पुल। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लॉन्च की? अगस्त 98 में। भारत और वियतनाम के बीच प्रदर्श होता है रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से है। वैश्विक आतंकवाद समन्वय के लिए UNCCT है आपकी संस्था है आपकी। दूध उत्पाद बेड आवश्यक GST कितना है? 5% है। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन का क्या नाम दिया गया था? तो आर्टिमम। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, तो इसका आंसर है बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त। जून 2015 में लोकसभा विपक्ष के नेता कौन? राहुल गांधी जी नियुक्त किए गए थे। तुगलनामा पुस्तक के लेखक अमीर खुसरू हैं। आयरना क्या करती है? तो अच्छे ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। अगला है, भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रस्तुत है? तो सेवा कर। बुनियादी शिक्षा पर विचार प्रतिपादित किया महात्मा गांधी ने। 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों में उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश है। और लास्ट प्रश्न है आपका, कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दीपावली। तो आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।